कैसे लोग हैं, कोई सुनता ही नहीं मुझे है? वैसे अच्छा हुआ आप चीख दिए, सॉरी आप मिल गए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं 2 घंटे से प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा हूँ। चक्कर लगा रहे हो? हाँ। अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं भी पार्क में सुबह 2-2 चक्कर लगाता हूँ। अरे लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं और क्या कर रहा हूँ? वैसे तो आप मेरी बात ही सुन रहे हैं, लेकिन अरे लेकिन क्या, अगर मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो ये कहने की क्या जरूरत है कि बात तो सुनिए। देखिए आप समझ नहीं रहे। अच्छा, तो आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आपको लगता है आप जैसा समझदार कोई है नहीं। आप प्लीज जाओ यार ऐसे। अरे प्लीज जाइएगा क्या मतलब है? मैं क्या अपनी मर्जी से आपके पास आया था क्या? आपने मुझे बुलाया था। गलती हो गई आपको बुला के, ठीक है? ठीक है। हाँ। और सुनो, हाँ। फिर से मत बुलाना। अभी नहीं बुलाऊंगा भाई। सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। क्या? एक बात बताइए। बोलो। आपने मुझे बुलाया क्यों था? मुझे इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए। क्यों? अरे भाई क्यों का क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इंक्वायरी ऑफिस का पता क्यों पूछना है? मुझे काम है। वही तो पूछ रहे भाई, क्या काम है? अरे बोला ना मुझे काम है। फिर भी बताओ यार। अरे फिर भी का क्या मतलब? मुझे कुछ भी काम हो आपको क्या मतलब? आप मुझसे पता पूछ रहे या नहीं? पूछ रहा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि आप पता क्यों पूछ रहे हैं? देखिए आपको पता बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बोलो। आप तो नाराज हो गए यार। पता बताने में क्या एतराज हो सकता है? अभी बता देता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद? अरे आपके पता बताने का धन्यवाद। पर मैंने अभी पता बताया था है। अरे मतलब आप पता बताने के लिए राजी हो गए इसलिए धन्यवाद। हाँ मैं अभी तो राजी हुआ हूँ ना। हाँ। पर पता बताया तो नहीं है ना, और अगर नहीं बताऊंगा तो आपका धन्यवाद बेकार जाएगा। अभी आप पता बताओगे? चलो यार ठीक। देखो यहां से सीधे सीधे जाओ। हाँ सीधे जाओ फिर। तो फिर वहां से बाएं मुड़ जाओ। वहां से बाएं मुड़, ठीक है फिर। तो थोड़ा आगे चलकर तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा। दरवाजा, ठीक है फिर। वहां से 10 कदम आगे चलो। वहां से 10 कदम आगे फिर? और फिर 10 कदम पीछे चलो। अबे 10 कदम आगे चलना है फिर 10 कदम पीछे चलना है तो चलने का क्या फायदा? चलू ही क्यों? मत चलो, खड़े रहो वैसे। रुकिए रुकिए, देखिए मैं ये कह रहा था। अरे तुम कहते हो कि मैं चलूं ही क्यों, तो मैं पता बताऊं ही क्यों? ऐसा देखिए मैं अच्छे से कह रहा था कि अगर 10 कदम आगे चलना है फिर 10 कदम पीछे चलना है तो चलने का क्या फायदा? आप मुझसे पता पूछ रहे या नहीं? पूछ रहा हूं। तो फिर चलना ही पड़ेगा। ठीक है मैं चलूंगा, अब आगे बोलो। देखो हाँ, वो जो दरवाजा है, वहां से थोड़ा और आगे चलकर तुम्हें एक वजन तौलने की मशीन मिलेगी। वजन तौलने की मशीन? हाँ। तो मशीन है ठीक उसके पास ही किताब की दुकान है। किताब की दुकान? हाँ।
किताब की दुकान। हाँ, किताब की दुकान का क्या मतलब? अरे भाई, किताब की दुकान जहाँ पे किताबें मिलती है। ये मुझे मालूम है किताब की दुकान का मतलब, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए। अरे वही तो बता रहा हूँ ना। क्या बता रहे हैं आप? वो जो किताब की दुकान है ना, हाँ, तो ठीक उसके सामने ही इंक्वायरी ऑफिस है। ओ हाँ, ऐसा है। ठीक है मैं तो। अरे सुनिए, इधर आइए आप, इधर आइए। क्या? वाह, ऐसे ही चल दिए? हाँ। एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर आपको पता बताया और आप उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पता बताकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ भाई, हाँ। अच्छा हाँ, तो फिर शाम को मिलते हैं खाने पे। और हाँ, भाभी को भी साथ में ले आना। हाँ चलो ठीक है, अभी ऑफिस कुछ काम है, कुछ फाइलें वाइलें चेक करनी है, तो मैं मिलता हूँ। ओके, सी यू देन, बाय। गुड मॉर्निंग सर। क्या क्या कहा आपने? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जनाब घड़ी है आपके पास? आया ना। क्या टाइम हुआ है? 12:30। साढ़े बारह? 12:30 तो फिर गुड मॉर्निंग क्यों और गुड आफ्टरनून क्यों नहीं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब जाइए यहाँ से। थैंक यू सर। अरे अब क्या हुआ भाई? सर मैं आया हूँ। अरे मुझे पता है कि आप आए हैं महाराज, तो क्या आपकी आरती उतारूं? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मेरा आज पहला दिन है ना, ये रही मेरी जॉइनिंग रिपोर्ट। अबे अबे अबे, तेरी जॉइनिंग रिपोर्ट है या तेरी जन्म पत्री में? सर जॉइनिंग रिपोर्ट है, आज मेरे काम का पहला दिन है। ओहो, तो नए नए आए हैं आप, वो भी पहली दफा? पहली दफा, और वो भी 2 घंटे से भी ज्यादा नहीं? सर वो रास्ते में। अरे रास्ता रास्ता क्या है, जब लेट हो तो मानो ना कि लेट हो। सर मैं मान रहा हूँ मैं लेट हूँ, लेकिन अरे जब मान लिया कि लेट हो तो लेकिन में क्या बना रखा है? सर आप सुनिए। अच्छा जाने दो, वहां बैठो। वो तुम्हारी खिड़की है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हाँ, कि ये इंक्वायरी ऑफिस है, हाँ, और यहाँ आपको हर यात्री को उसकी मांगी गई पूरी की पूरी जानकारी देनी है। ठीक है सर, समझ गया? समझ गया सर, समझ गया। तो शुरू हो जाए क्या? अरे काम करना गुरु, शुरू हो जाओ। अरे लेकिन कोई पूछेगा तो बोलो ना। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं आप? अरे भाई साहब, ये इंक्वायरी की खिड़की कब खुलती है? अरे मुझे क्या मालूम कब खुलती है, मेरा तो पहला दिन है। खा गए ना कच्चा बच्चा, लूज कर दिया ना तुमने टेंपर। अरे बहुत ही गर्म किस्म के आदमी हो। जब मैंने कहा था तुम्हें कि हर आदमी से बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर धीरे से और बहुत ही सहज भाव से बात करनी है, तो तुम गुस्सा क्यों हो? सॉरी सर। अब खड़े हो जाओ। सर तो क्या है ना, मेरे काम का आज पहला दिन है ना, तो मुझे मालूम नहीं खिड़की कब खुलती है। इसका क्या मतलब है कि खिड़की कब खुलती है? और ये दांत क्यों दिखा रहे हैं? मुस्कुराने का मतलब यही है कि आप दांत दिखाएंगे? नहीं, कहां से होगा ऐसा? मामला नहीं निकल रहा।
सर मुझे क्या मालूम खिड़की कब खुलती है, मेरा तो पहला दिन है ना। अरे भाई साहब अब क्या हो गया, क्या पेट में दर्द है तुम्हारे, किसी ने गला दबा दिया तुम्हारा, कोई तुम्हें लकवा मारा है क्या? सर सर मैं सब समझ गया सर, आप टेंशन मत लो, मैं सब ठीक से करूंगा। देखो सर अच्छा परेशान पसीना पोछो। हाँ सर भाई साहब वन क्वेश्चन,
मुन्ना है उसके लिए भिजवा देते तो खाइए ना हमारी कसम की बेटी
तेरी कसम, तेरे बाप की कसम, पूरे खानदान की कसम, ट्रेन गई पटना गई। चलो भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे पटना जाने वाली ट्रेन गई। तू तो हमका बता दे, हमका पढ़तुक समझेगा कि समझेगा, जैसे हमका कुछ अब भी नहीं करता। भले पांच में पांच बात खेले हैं, लेकिन हम भी मतलब समझदार हैं, देख नहीं रहे हैं। हम तो बस ये पूछ रहे हैं, आपकी बात राइट है, आपकी बात राइट है कि ट्रेन गई। हम ही बस पूछ रहे थे कि जो ट्रेनवा है वो पूरी गई था। आधी खड़ी है बात, भैया
जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि कोई दिक्कत हो तो हम उन तक फोन करके पता लगाएंगे। आप बस सांस लीजिए, लंबी सांस, लंबी सांस। हम जा रहे हैं, जा साथ में आ रहे हैं। अरे भाई साहब, ओ हो
इस्तीफा, अभी इस्तीफा दीजिए। अरे भाई इस्तीफा ऐसे नहीं देते हैं, दफ्तर के कुछ कायदे कुछ कानून है। कायदे कानून सर? मैं कायदे कानून नहीं जानता, मुझे ये नौकरी छोड़नी है। देखो भाई इस्तीफा देने से पहले चार्ज देना पड़ता है। चार्ज? हाँ। अब बोलो कितना चार्ज चाहिए? आप बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो कितना चार्ज चाहिए? चार 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 चार्ज नहीं, चार चार्ज नहीं, चार्ज वाला नहीं, हैंडिंग ओवर नोट देना पड़ता है। इधर इधर आओ। हैंडिंग ओवर नोट? ये लो पेपर पकड़, पेपर आज मैं लिखूं। क्या लिखूं? इसमें नाम, नाम। अब इसमें लिखो अपना पता, पता। अब लिखो अपना नंबर, नंबर। अब लिखो विषय, विषय। अब एक काम करो, पास पास सर। अरे मैं भी वैसे नहीं भाई, अरे काम की बात है यार। अब लिखो विषय। हाँ विषय लिखा, उसमें क्या लिखा? पटना जाने वाली ट्रेन गई क्या? किस प्रकार से हम लोग किसी को परेशान करते हैं, तो एक साईं जी को मैं एक चीज कहता हूं कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझे कांटा बना के रख दिया, अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। धन्यवाद।